हेलो एवरीवन, वेल कम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। सेबी से मेटावर्स फंड को मंजूरी मिलने की बेहद कम है उम्मीदें। एलॉन मस्क ने ट्विटर बोर्ड में शामिल होने से किया इनकार। डोज कॉइन फिसला 7.5% से नीचे। नए टैक्सेस के बाद भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम 10 दिनों में पहुंचा 42-70% से नीचे। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के कारण बिटकॉइन फिसला लगभग 3 हफ्ते के निचले स्तर पर। एसईसी मेटा रूलिंग के बाद मेटावर्स के टोकन हुए क्रैश। इटालियन सॉकर क्लब एसी मिलान ने लॉन्च किया एनएफटी कलेक्शन। मार्च में हर रोज 20 से ज्यादा बिटकॉइन एटीएम हुए इंस्टॉल। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने लॉन्च के 3 दिनों में बंद की यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा। भारत में एसेट मैनेजर्स ने सिर्फ ब्लॉकचेन, मेटावर्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी से जुड़े इन्वेस्टमेंट से शामिल फंड लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे मेटावर्स फंड भी कहा जाता है। लेकिन मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी शायद इसकी मंजूरी नहीं दे सकता है। अगर किसी फंड में अंडरलाइंग है जिसे सेबी एक्ट के तहत सुरक्षा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है तो रेगुलेटर इसे मंजूरी नहीं देगा, चूंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन रहेगा, जबकि सेबी अनरेगुलेटेड एसेट्स में निवेश की अनुमति नहीं दे सकता है। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क, जिन्होंने हाल ही में ट्विटर में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, उसने सोशल मीडिया कंपनी के बोर्ड में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। एक हफ्ते से भी कम समय पहले ट्विटर के सीईओ पारस अग्रवाल ने एलॉन मस्क के ट्विटर के 9.2% ओनरशिप की घोषणा की थी। साथ ही ये घोषणा भी की थी कि मस्क बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। वही आज अग्रवाल ने कंपनी और ट्विटर कम्युनिटी को एक नोट के जरिए जानकारी दी है कि मस्क बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। इस फैसले के पीछे का कारण सामने नहीं आया है। हालांकि पारस अग्रवाल ने कहा कि कंपनी उनके इनपुट के लिए हमेशा खुली रहेगी। एलॉन द्वारा किए गए इस फैसले का असर उनके पसंदीदा डोज कॉइन पर सही तरीके से होता हुआ नहीं दिखा। फिलहाल की बात करें तो डोज 7.5% की गिरावट के साथ $0.1411 पर ट्रेड कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब से भारत ने व्यापार से अर्न इनकम या डिजिटल असेट्स पर बुक किए गए गेंस पर नए टैक्स के एक सेट की शुरुआत की है, तब से मेजर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट देखी गई। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स ने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ट्रेडिंग वॉल्यूम में 72% की गिरावट देखी, जबकि ZebPay ने अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम में 59% और CoinDesk्स वॉल्यूम में 52% की गिरावट देखी। पिछले 10 दिनों के दौरान BitBNS ट्रेडिंग वॉल्यूम में 41% की गिरावट आई है। भारतीयों को अब 1 अप्रैल से क्रिप्टो असेट के ट्रेड से अर्न इनकम पर 30% कर का भुगतान करना होगा। वहीं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एक वर्ष में ₹10,000 से अधिक वर्चुअल करेंसीज के भुगतान पर 1% TDS का भुगतान करना होगा और रिसिपिएंट के हाथों से ऐसे गिफ्ट्स का टैक्सेशन भी करना होगा। बता दें कि 1 जुलाई 2022 से 1% TDS से जुड़े प्रावधान लागू होंगे। बिटकॉइन में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच तनाव देखने मिला, जिसकी वजह से उन्होंने सेफ हेवन एसेट जैसे US डॉलर की तरफ अपना रुख किया। दुनिया के लीडिंग सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा टैक्स में बढ़ोतरी की आशंका के बीच इन्वेस्टर्स को डॉलर की ओर रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो उन कंपनियों की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही है जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कमाते हैं। एनालिस्ट को व्यापक रूप से उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व अपनी मई और जून की मीटिंग्स में रेट्स में 50 बेसिस पॉइंट्स को हाइक करेगा। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 3% से अधिक नीचे आते हुए $41,100 के आसपास ट्रेड किया है, जबकि इथर को उसी समय के दौरान लगभग 6% की गिरावट के साथ लगभग $3,000 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वही ज्यादातर मेजर ऑल्ट कॉइन सोलाना, टेराज, लूना टोकन और कार्डानो को नीचे 7% से नीचे फिसलते हुए देखा गया। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि मेटा को एक प्रस्ताव पर एक शेयर होल्डर वोट रखना चाहिए, जो सोशल नेटवर्क के मेटावर्स जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी को संचालित करने के लिए लाइसेंस पर सवाल उठाता है। मेटा ने शुरू में उस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की, जो मेटा के प्लान वर्चुअल स्पेस से संभावित साइकोलॉजिकल, सिविल और ह्यूमन राइट रिस्क के थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए कहता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि इस प्रस्ताव पर मई में होने वाली एनुअल शेयर होल्डर बैठक में वोट किया जाएगा।
वोट शेयरधारकों को यह तय करने देगा कि मेटा के लिए वर्चुअल वर्ल्ड बनाना प्रूडेंट या अप्रोप्रिएट है या नहीं। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, मेटा न्यूज के बाद डिसेंट्रलैंड, माना और द सैंडबॉक्स सैंड सहित टॉप मेटावर्स टोकन्स के मूल्य में तेजी से गिरावट आई। वहीं प्राइसेस में 16.3% और 17.3% की गिरावट देखने मिली। 16% की गिरावट के साथ एपकॉइन एपी की कीमत भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। एक्सी इन्फिनिटी एएक्सएस 25% गिरा, क्योंकि वो अभी भी पिछले महीने के $625 मिलियन हैक से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। इटालियन प्रोफेशनल सॉकर क्लब एसी मिलान बिटमैक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ मिलकर अपना पहला नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी प्रोजेक्ट जारी करेगा। इससे होने वाली कमाई को चल रहे यूक्रेन क्राइसिस और साउथ सूडान में चल रहे यूनिसेफ के लिए क्लब की चैरिटी शाखा फाउंड जियोन मिलान को जाएगी। इस लिमिटेड एडिशन कलेक्शन में 75,817 एनएफटीज होंगे, जो क्लब के होम ग्राउंड सैन सिरो स्टेडियम की कैपेसिटी के कई रिप्रेजेंटेटिव है। इतना ही नहीं, ये साउथ सूडान में डैनिश वॉर फोटोग्राफर जैन ग्रारब द्वारा मिली जर्सी की एक 3D इमेज को डिपिक्ट करेगा, जो पिछले दिसंबर में वाइड स्प्रेड फ्लडिंग का डॉक्यूमेंटिंग कर रहे थे। बिटमैक्स ने पहले 10,000 प्री ऑर्डर्स पर ट्रेडिंग डिस्काउंट्स और दूसरे बेनिफिट्स प्रदान करके प्रोजेक्ट में योगदान देने के लिए एसी मिलान के साथ भागीदारी की है। इसके अलावा बिटमैक्स भी एनएफटी की बड़ी संख्या खरीदकर फाउंड जियोन मिलान को दान करेगा। दुनिया भर में बढ़ रहे क्रिप्टो एडॉप्शन के बीच डेटा से पता चलता है कि मार्च 2022 में 686 बिटकॉइन एटीएम इंस्टॉल किए जा चुके हैं। डेटा से पता चलता है कि 1 मार्च में 36,023 इंस्टॉलेशन ने दुनिया भर में इंस्टॉल ऑटोमेटेड बिटकॉइन डिस्पेंसिंग मशीनों की संख्या को 1 अप्रैल तक टोटल 36,709 तक बढ़ाने में मदद की थी। इसका मतलब यह है कि अकेले मार्च में औसतन 22 बिटकॉइन एटीएम हर रोज ऐड किए गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार 11 अप्रैल तक दुनिया भर में क्रिप्टो एटीएम की कुल संख्या 36,733 पाई गई है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने पॉपुलर यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस फैसिलिटी को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि यह फैसला इंडिया में इसके लॉन्च के 3 दिन के बाद आया है। दरअसल यूएस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने रविवार से भारत भर में यूपीआई का इस्तेमाल करके क्रिप्टोकरेंसी खरीदने का ऑप्शन को रोक दिया, क्योंकि देश में मौजूद सर्विस की फैसिलिटी प्रदान करने वाली गवर्नमेंट बॉडी ने एक्सचेंज को बैंकिंग पेमेंट सिस्टम से जुड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हाल के समय में ऐप दिखा रहा है कि उसके यूजर्स IMPS मेथड का इस्तेमाल करके क्रिप्टो बेच सकते हैं। फिलहाल खरीदारी करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बताते चले कि एक्सचेंज ने 7 अप्रैल को होने वाले मेगा इवेंट में यूजर्स को UPI का इस्तेमाल करने की घोषणा की थी, जिसके कुछ घंटे के बाद ही नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने कहा कि उसे किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा UPI पेमेंट्स की सुविधा के इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं थी। इन सबके बीच मोबिक्विक वॉलेट, जिसने बड़े एक्सचेंजेस के साथ हाथ मिलाया था, उसने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग का समर्थन करना बंद कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।